नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में और मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके के कालाखेड़ा गांव में एक पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, जहाँ दोनों युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। वही घटना की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह पहुंचे और पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भाजपा के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अहंकार है उसे वो सुधार ले। पाकिस्तान हमेशा रिश्ते बनाने की बात करके मुकर जाता है और बम फोड़ देता है, और अगर अब पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत सुधारने का काम भी जानता है। देखिए, भारत तो पहले ही अहंकारवादी नहीं है, भारत तो पहले ही मतलब अपने उनके भारत के पास कहीं भी अहंकार की गुंजाइश नहीं है। अगर अहंकार है तो वो पाकिस्तान में है, अपनी बात पे करता है मुकरता है, करता है मुकरता है। भारत ने तो बहुत मौके दिए हैं और मैं तो यही कहूँगा कि भारत पाकिस्तान अब भी सुधरने का मौका है उनको, अगर नहीं सुधरेगा तो भारत सुधारने का काम भी जानता है। इलाहाबाद के थरवी थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के सामने खेत के अंदर बाउडीवाल के अंदर एक व्यक्ति की लाश मिली। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि युवक की कहीं दूसरी जगह हत्या कर शव को इस गांव के खेत में लाकर फेंक दिया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। इलाहाबाद के धूमनगंज पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस को 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो लड़कियों के अपहरण होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़कियों का नंबर सर्विलांस पर लगाकर तेजी दिखाते हुए लड़कियों को रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर लड़कियों ने बताया कि दिल्ली का रहने वाला एक युवक फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर फेसबुक से उनको दिल्ली बुला रहा था, जिसके चलते दोनों लड़कियां स्कूल से छूटने के बाद सीधे स्टेशन पहुंच गईं। लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए दोनों लड़कियों को बरामद कर परिवार वालों को सौंप दिया। वहीं मऊ जनपद में नागरिक मंच संगठन ने केरला बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक मदद पहुंचाई। दरअसल बीते महीने केरला में आए जबरदस्त सैलाब के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, जिसकी सहायता के लिए देश के विभिन्न राजनीतिक सामाजिक और संगठनों ने फंड और राहत सामग्री भेजी, तो वहीं कुछ ने खुद केरला पहुंचकर जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। बाल पीड़ितों के लिए केरल में जो बाढ़ आई थी, जो आपदा हुई थी, वो एक भयंकर आपदा थी और उस आपदा के लिए, उस आपदा की मदद के लिए मऊ के युवाओं ने एक पहल किया था मऊ नागरिक मंच के बैनर से, और तमाम मऊ के युवा वर्ग की एक टीम जमा हुई और ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग मऊ से ही कुछ करेक्शन करके, कुछ पैसा जमा करके क्यों नहीं जाके वहाँ कुछ हेल्प करें लोगों की। तो जो सक्रिय लीडर थे मऊ के नौजवान, तो इन लोगों ने एक बड़ी मेहनत करके पैसा कलेक्शन किया, जमा किया, और उस पैसे को आज इस टीम का इतना हौसला बुलंद हो गया कि ये टीम आज खुद। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर। नमस्कार।